बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी ट्यूटर मलिक याज महमूद। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू बाय द पाक गैरिसन स्कूल ननकाना साहिब। लेट्स बी स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द आवर प्रीवियस लेक्चर, रिसेप्टर इन ह्यूमंस। रिसेप्टर इन ह्यूमंस में हम ह्यूमंस आई को डिस्कस कर रहे थे। उसका हमने इसके हमने दो पोर्शन बनाए थे, तो एक हमने फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था इससे प्रीवियस लेक्चर में, दूसरा इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं दूसरा पार्ट। ठीक है, तो पहले हम इसको रिकॉल करते हैं प्रीवियस लेक्चर को अपने। तो उसमें हमने बेटा ह्यूमंस आई के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था ह्यूमन आई की। देन हमने इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने थ्री लेयर्स को डिस्कस किया था। फर्स्ट लेयर आउटर लेयर थी सक्लेरा कॉर्निया, और मिडल लेयर हमने कोराइड डिस्कस की थी, और इनर लेयर रेटिना को हमने डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है जी, तो बेटा आज हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले हम डायग्राम की तरफ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने इसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं, तो इसके बाद हमारे पास ये दो पार्ट आपको ग्रीन कलर में लेबल किए हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, तो बेटा ह्यूमन आई की एक कैविटी होती है, मुकम्मल कैविटी, एम्प्टी स्पेस होती है। ठीक है, वो कॉर्निया से लेकर और रेटिना तक ये इसमें कैविटी है। तो बेटा ये जो कैविटी है ये दो चैम्बर में तकसीम हो जाती है विद द हेल्प ऑफ आयरस। आयरस जो है ये इस कैविटी को दो चैम्बर में तकसीम कर देते हैं। जो इसका इंटीरियर चैम्बर होता है, इंटीरियर चैम्बर दैट इज़ बिटवीन द आयरस एंड कॉर्निया, दिस वन इज कॉर्निया एंड दीज आर द आयरस। ठीक है, आयरस और कॉर्निया के दरमियान में जो एम्प्टी स्पेस है, जो चैम्बर है, इसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसमें जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, इसको हम इंटीरियर चैम्बर कहते हैं, सॉरी। ठीक है, इंटीरियर चैम्बर कहते हैं सामने वाला चैम्बर, और इसमें जो मटेरियल पाया जाता है, जो फ्लूइड पाया जाता है, वो वाटरी और क्लियर फ्लूइड होता है। इस जगह पे पाया जाने वाला मटेरियल जो है वो वाटरी और क्लियर होता है, यानी ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो उस फ्लूइड को हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं जो इसका पोस्टीरियर चैम्बर है, तो डैट इज बिटवीन द आयरस एंड द रेटिना। आयरस और रेटिना के दरमियान जो चैम्बर है उसको हम इंटीरियर चैम्बर बोलते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो जेली लाइक फ्लूइड होता है, जेली लाइक। ठीक है जी, वो थोड़ा डेंस होता है, कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, इंटीरियर चैम्बर की तरह वो ट्रांसपेरेंट या क्लियर नहीं होता। ठीक है जी, तो लिहाजा ऐसे फ्लूइड को हम विट्रस या विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है जी, तो इन दोनों को हमने डिस्कस किया, एक्वस ह्यूमर को और विट्रियस ह्यूमर को। अब हम इनके जो पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से भी। ठीक है, तो बेटा मैंने जैसे बताया कि ह्यूमन कैविटी को दो चैम्बर में तकसीम करते हैं, एक चैम्बर हमारे पास इंटीरियर होता है और दूसरा हमारे पास पोस्टीरियर होता है। जो हमारे पास इंटीरियर चैम्बर होता है वो मैंने बताया कि वो आयरस के फ्रंट पर कॉर्निया और आयरस के दरमियान होता है। ठीक है, और ये जो इंटीरियर चैम्बर है इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो वाटरी क्लियर फ्लूइड होता है, यानी ट्रांसपेरेंट, ताकि यहाँ से आसानी से लाइट जो है पास आउट हो सके। ठीक है, इसके बाद विट्रियस ह्यूमर जो है ये हमारे पोस्टीरियर चैम्बर में पाया जाता है, और ये आयरस और रेटिना के दरमियान मौजूद होता है।
पोस्टीरियर चैम्बर में जेली लाइक जो फ्लूड होता है उसको हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है जी, अब इनका फंक्शन देख लेते हैं। इन दोनों का फंक्शन जो है वो तकरीबन सेम होता है। सबसे पहले तो ये जो ह्यूमन आई की शेप है उसको मेंटेन करते हैं, और इसके अलावा ये दोनों जो फ्लूइड हैं ये लेंस के दोनों तरफ होते हैं, तो ये लेंस को भी होल्ड करते हैं, लेंस को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो सस्पेंडेड द डेलिकेट लेंस, यानी ये लेंस को जो है वो होल्ड करते हैं। और तीसरा इनका काम है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ये कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, और ये जो है ये रेटिना को, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था। दोनों का काम जो है वो तकरीबन सेम है। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसमें एक क्वेश्चन बनता है, हाउ वी सी द थिंग्स, यानी हम किस तरह से चीज़ों को देखते हैं या किस तरह से हम चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है, अपने आँख की मदद से। ठीक है, तो बेटा वो हम डायग्राम की मदद से सीखते हैं। एक दफ़ा फिर हम डायग्राम की तरफ जाएंगे, तो ये हमारे पास ह्यूमन आई की डायग्राम है। तो हाउ वी सी अ थिंग्स, तो बेटा यहाँ पे कोई सैंपल पड़ा हुआ है, कोई चीज़ पड़ी हुई है जिसको हम देखना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इस चीज़ के ऊपर लाइट पड़ती है तो ये चमक जाती है। लाइट जो है वो इससे टकराने के बाद वो हमारी आँख की तरफ जाती है, तो सबसे पहले जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है और कॉर्निया से गुजरती है, कॉर्निया के बाद वो एक्वस ह्यूमर से गुजरती है, फिर लेंस से गुजरती है, फिर विट्रियस ह्यूमर से, और फिर वो फाल होती है रेटिना के पॉइंट पर। और हमें पता है कि जो रेटिना है इसके अंदर जो है वो दो तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, रॉड एंड कॉन सेल्स। ठीक है, ये कहाँ पर मौजूद है, रेटिना पर। ठीक है, और रॉड सेल जो हैं ये डिम लाइट में देखने के जिम्मेदार हैं, कॉन सेल जो हैं वो हमें ब्राइट लाइट में देखने में जो है वो हेल्प आउट करते हैं। ठीक है जी, तो जैसे ही लाइट जो है वो रेटिना पर पड़ती है, ठीक है, तो अगर तो नाइट टाइम है तो रॉड सेल एक्टिव हो जाएंगे, अगर डे टाइम है तो कॉर्न सेल जो हैं वो एक्टिव होंगे। और ये जो सेल्स हैं ये एक नर्व इम्पल्स क्रिएट करेंगे, नर्व इम्पल्स जो है उसको जनरेट करेंगे, वो नर्व इम्पल्स जो है वो ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ब्रेन की तरफ जाएगी। ठीक है जी, ब्रेन, और ब्रेन जो है वो हमें जो है वो मुतलका जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने में हेल्प आउट करता है। ठीक है जी, दोबारा सुन लें, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद वो हमारी आँख में दाखिल होती है तो सबसे पहले वो कॉर्निया से गुजरती है, एक्वस ह्यूमर, देन लेंस, और विट्रियस ह्यूमर से गुजरती हुई वो रेटिना पर पड़ती है। ठीक है, लेंस जो है वो उस लाइट को रेटिना पर फोकस करता है, रोड और कॉर्न सेल जो हैं इनकी मदद से नर्व इम्पल्स पैदा होती है जो ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ब्लाइंड स्पॉट से गुजरती हुई ब्रेन में जाती है, और ब्रेन जो है वो उसका रिस्पॉन्स क्रिएट करता है जिससे हमारी विजन बनती है, और हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो बेटा इस तरह से हम जो है वो अपनी आँख की मदद से चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है नाइट ब्लाइंडनेस। ये डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर हैं नाइट ब्लाइंडनेस के, ठीक है, और सॉरी ह्यूमन आई के। तो पहला है नाइट ब्लाइंडनेस। तो बेटा जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये चूँकि रात में देखने की बात हो रही है तो साफ ज़ाहिर है फिर ये जो है वो रॉड सेल
इसको कंट्रोल करेंगे। तो बेटा रॉड सेल के अंदर एक पिगमेंट होता है, एक कलर होता है, जिसको हम जो है वो रोडोप्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोडोप्सिन। दिन के वक्त अगर बात हम करें, दिन के वक्त तो इनके ऊपर लाइट पड़ती है जब, तो रोडोप्सिन जो है वो डे टाइम में ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होने के बाद ये नर्व इम्पल्स क्रिएट कर देते हैं, लेकिन नाइट टाइम में जब लाइट नहीं होती तो ये जो ब्रोकन रोडोप्सिन होता है ये दोबारा से रीजॉइन होकर हमें दोबारा से रोडोप्सिन बना देता है, ठीक है जी। और ये जो रोडोप्सिन दोबारा से बनता है, ये बनता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन ए। अगर हमारे पास हमारी बॉडी में मुनासिब मकदार में विटामिन ए नहीं होगा तो ब्रोकन रोडोप्सिन जो है वो दोबारा से रोडोप्सिन की हालत में नहीं आएगा, ठीक है। इसी वजह से जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है वो नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करती है, ठीक है जी। दोबारा समझ लें कि नाइट ब्लाइंडनेस कैसे कॉज होती है, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कॉज होती है। हमारे जो रॉड सेल्स होते हैं उनके अंदर रोडोप्सिन होता है, और वो रोडोप्सिन दिन में लाइट की वजह से ब्रेक हो जाता है, और फिर जब लाइट नहीं होती तो वो दोबारा रीजॉइन होता है। वो जो उसकी रीजॉइनिंग होती है वो विटामिन ए के बगैर मुमकिन नहीं है, तो लिहाजा विटामिन ए का होना ज़रूरी है। तो अगर विटामिन ए जो है वो डेफिशिएंट होगा तो रोडोप्सिन बनेगा नहीं, जिसकी वजह से हमें रात में या डिम लाइट में देखने में दुश्वारी होगी। तो ऐसे पर्सन को जो डिम लाइट में नहीं देख पाता उसको हम जो है वो नाइट ब्लाइंडर या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है जी। उस बीमारी को हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो डिसऑर्डर है वो है कलर ब्लाइंडनेस, यानी रंगों का ना नज़र आना, रंगों में फ़र्क ना कर पाना, ठीक है जी। तो इसमें क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास कौन सेल्स होते हैं जो हमें डे टाइम देखने में मदद देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और इसके अलावा वो हमें कलर डिफ्रेंशिएट में भी मदद देते हैं। तो लिहाजा कौन सेल जो हैं उनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, और उस पिगमेंट को हम कहते हैं आयोडोप्सिन। क्या कहते हैं जी? आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन जो है ये कंट्रोल करता है हमारे कलर को, ठीक है जी। कॉन्स के अंदर ये पाया जाता है, और हमारे पास जो है वो कॉन्स थ्री टाइप्स के कॉन्स होते हैं डिफरेंट। हमारे पास कितनी तरह के कॉन्स होते हैं? थ्री टाइप्स। इसका मतलब है कि हर तरह के कॉन्स के पास अपना अलहदा से आयोडोप्सिन होता है, ठीक है। हर तरह के कॉन्स के पास थ्री टाइप के कॉन्स होते हैं, और हर तरह के कॉन्स के पास अपना अलग से आयोडोप्सिन होता है, और हर तरह का जो कॉन होता है वो जो है वो स्पेसिफिक होता है इन तीन कलर में से। उनके ये जो तीन कलर दिए हुए हैं ब्लू रेड और ग्रीन, इनमें किसी एक के लिए वो स्पेसिफिक होता है, किसी एक को देखने के लिए वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है। किसी एक को डिस्टिंग्विश करने के लिए वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है जी। तो अगर वो कौन जो है वो काम नहीं करेगा, अगर वो कौन कोई एक तीनों में से कोई एक कौन जो है अगर वो काम नहीं करेगा, ठीक है, यानी उसका एडेप्शन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, तो वो उस मुतलका कलर में फ़र्क वाजे नहीं कर पाएगा, उस मुतलका कलर को वो देख नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को जो कलर्स में फ़र्क नहीं देख सकता, कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, ऐसे जो पर्सन है उसको हम कलर ब्लाइंडर या इस मर्ज को हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है जी। कलर ब्लाइंडनेस। क्लियर होगी बेटा बात? दोबारा समझ लें कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है। कलर ब्लाइंडनेस जो है ये कौन सेल्स के अंदर एक पिगमेंट जो कि आयोडोप्सिन है वो इसको कंट्रोल करता है।
आयोडक्शन जो है अगर वो प्रॉपर मिकदार में बने प्रोड्यूस हो तो हम कलर में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के कॉर्न सेल्स होते हैं और हर कॉर्न सेल्स के पास अपना आयोडक्शन होता है, ठीक है। और हर एक जो कॉर्न है वो तीन कलर में से किसी एक कलर के लिए स्पेसिफिक होती है, जैसे मैंने बताया ब्लू, रेड और ग्रीन, ठीक है जी। तो अगर कोई एक कॉर्न अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही होगी, फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होगी, उसमें एडप्शन नहीं बन रहा होगा, तो वो मुतलका कलर यानी रेड, ग्रीन या ब्लू जो भी है उसको वो देख नहीं पाएगी, ठीक है जी। यानी कलर में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगी। तो ऐसा बंदा जिसमें कोई एक कॉर्न या एक से ज़्यादा वो काम नहीं कर रही होती, तो ऐसे बंदे को जो डिसऑर्डर होता है उसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है जी। तो इसके बाद हम चलते हैं एग्जामिनेशन डिकोडर की तरफ। इसमें हमारे पास जो अहम क्वेश्चन है वो व्हाट इज़ कलर ब्लाइंडनेस, व्हाट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस और व्हाट इज़ इक्वस और विटियस ह्यूमर और उनका फंक्शन। ये अलग से पूछे जा सकते हैं आपको, इक्वस ह्यूमर भी और विटियस ह्यूमर भी और उनका फंक्शन भी आपको ये पूछा जा सकता है बोर्ड के पेपरों के अंदर, ठीक है जी। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।